हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। सो डोंट फॉरगेट अगेन टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्ट्स एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज ग्रुप्स वन बाय वन इन डिटेल। सो द फर्स्ट ग्रुप इज Chrysophytes, then dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans। किंगडम मोनेरा हमने जो है जनरल कैरेक्टर्स किए थे, आज हम जो है उसकी ग्रुपिंग करने वाले हैं। ओके, दिस इज अगेन वन ऑफ द टॉपिक ऑफ क्लास 11। सो Chrysophytes, फर्स्टली जो है हम Chrysophytes को जो है डिस्कस करेंगे। सो Chrysophytes comprises of diatoms and desmids। Okay, so this major group Chrysophytes, it comprises of desmids and diatoms, and both are aquatic organisms, and this desmid also called as golden algae। So diatom, from these two organisms the diatom is important। Okay, why? Because the diatom cell wall contains silica which further form the diatomaceous earth after billions of years। Okay, so come to the diatoms, these are the main characteristics of diatoms। So diatoms are basically aquatic। Okay, aquatic means they are found in water bodies, both in fresh water as well as marine water bodies। After that they are the microscopic। Okay, they cannot be visible to the naked eye, they can be seen through the microscope। Then they are the plankton, very important, diatoms are plankton। Okay, why? Because they can float passively in the water currents, that's why they are plankton, and no doubt they are also called as phytoplankton। And after that they are photosynthetic, that's why they manufacture their own food। After that the cell wall of diatom is very important, because cell wall have two thin outer wrapping shells। Okay, and just like this is the lower shell and this is the upper shell, and they just, both these cells are overlapping with each other and form a soap box। Okay, so ye do shell jo hote hain cell wall mein, ek upper ek lower diatoms ki, ye just soap ke box ki tarah jo hai overlap karte hain, and on the cell wall of diatoms there is deposition of silica। Silica jo hai bahut hard substance hota hai aur ये इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, मीन ये ब्रेक नहीं होता है, ओके, अनब्रेकेबल होता है। तो ये सिलिका जो है ये इस सेलवाल की जो शेल्स हैं डायटम्स में उनके ऊपर जो है डिपॉजिट रहता है, डिपॉजिट होता है, और धीरे धीरे जो है ये सिलिका इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, फाइनली जो है ये एक डायटमशियस जो है अर्थ फॉर्म करता है। ओके, तो सिलिका जो है हार्ड सब्सटेंस है, सेलवाल का कंपोनेंट है। सो द वॉल्स आर एम्बेडेड विद दिस कंपोनेंट, एंड डायटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेलवाल डिपॉजिट्स। और फाइनली क्या होता है, ये जो सिलिका का जो डिपॉजिट है सेलवाल पर, ये इतना जो है ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रक्ट होगा नहीं, क्योंकि इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो डिस्ट्रक्ट ना होने की वजह से, ब्रेक ना होने की वजह से ये सबस्टांस जो है ये सेलवाल पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, और बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद, मिलियंस में नहीं, बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद यही सबस्टांस, यही सिलिका उस डायटम्स के हैबिटेट में क्या फॉर्म करता है, डाइएटमेशियस अर्थ फॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के एग्जाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायटमेशियस अर्थ जो है फाइनली फॉर्म करेगा, और ये डायटमेशियस अर्थ होगा क्या, ये दिस इज द डिपोजिशन ऑफ व्हाट, डिपोजिशन ऑफ सिलिका।
ठीक है, ये उस डायटम्स के हैबिटेट में सिलिका जो है डिपॉजिट हुआ होगा और बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एंड दैट इज डायटोशियस अर्थ। और ये जो है ग्रिटी नेचर का होता है, द नेचर ऑफ दिस डायटोशियस अर्थ इज ग्रिटी। और इसके जो यूजेस हैं, ठीक है, डायटोशियस अर्थ का जो है यूज कहां किया जाता है, एक तो पॉलिशिंग के पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट का फंक्शन है डायटोशियस अर्थ का, कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव में ना फंक्शन को लेकर क्वेश्चन आता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। तो ये दो फंक्शन है, वन इज पॉलिशिंग, अदर इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। देन डायटम जो है ये चीफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं ऑफ ओशंस के, जो साल्टी वाटर ओशन में रहता है, जहां पे ये जो है फॉर्म किया जाता है डायटम, जहां पे ग्रो करता है, तो वहां पे जो है ये एक चीफ प्रोड्यूसर भी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है ना, तो चीफ प्रोड्यूसर कहलाएगा। इसी तरह से ये था आपका जो है क्राइसोफाइट्स। अब हम एक और ग्रुप जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन अ मेजर ग्रुप, नेम्ड एज डायनोफ्लाइजेट्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि डायटम्स और डायनोफ्लाइजेट्स में क्या डिफरेंस है, तो डायटम में जो है फ्लैजेला नहीं होता है, बट डायनोफ्लाइजेट्स जो होते हैं इनमें फ्लैजेला होता है, ये जो डिफरेंस है। ओके, तो डायनोफ्लाइजेट्स टर्म से ही पता चलता है, डाई होता है टू, ठीक, और फ्लैजेलेट्स मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट, तो यहाँ पे टू फ्लैजेला होंगे इन ऑर्गेनिज्म में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायनोफ्लाइजेट्स। और डायनोफ्लाइजेट्स जो है इनमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी बताए, जब हम किंगडम पढ़ रहे थे, तो गोनोलेक्स है, नॉक्टिल्यूका है, और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल है जिम्नीडियम। ओके, और जितने भी डायनोफ्लाइजेट्स होते हैं उनमें जो है टू फ्लैजेला होते हैं बॉडी पर, वन फ्लैजेलम लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूडनल साइड एंड द अदर फ्लैजेलम लाइज ट्रांसवर्सली। ओके, तो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम रहेगा और एक जो है रहेगा आपका ट्रांसवर्स। तो होते कौन है ऑर्गेनिज्म डायनोफ्लाइजेट्स, दे आर मैराइन, ये फ्रेश वाटर नहीं होता, ये मोस्टली जो है मैराइन ही होते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक, दे विल हैव टू देयर ऑन फूड। और इनमें जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक, वो येलो कलर के भी होते हैं, ब्राउन के भी होते हैं, ब्लू कलर के और रेड कलर के, बट मोस्टली जो मेजर एबंडेंट पिगमेंट रहता है दैट इज द रेड पिगमेंट। ओके, और ये जो गोनोलेक्स है ये आपकी जो है ओशन में रेड टाइड भी फॉर्म करता है, किस प्रोसेस से, बायोल्यूमिनेशंस के प्रोसेस से, क्योंकि इसमें जो है लाइट इमिटिंग की जो है प्रॉपर्टी है, ठीक, और रेड कलर जो है बहुत एबिडेंट रहता है डायनोफ्लाइजेट्स इस गोनोलेक्स में, और इस रेड कलर के होते हुए, ठीक है, जो रेड पिगमेंट है इसमें जो है बहुत एबिडेंट रहता है, और इस रेड पिगमेंट की वजह से फिर उस रेड कलर को ये जो इमिट करता है जिसको हम बायोल्यूमिनेशंस कहते हैं, और उस इमिटिंग से जो है वो ओशन में जो है हमें रेड टाइड्स देखने को मिलती हैं। अदरवाइज वो पानी का कलर रेड नहीं होता है, वो बेसिकली उसमें यही गोरिलैक्स होता है, डायनोफ्लाइजेट्स होते हैं जो उसमें जो है वो रेड टाइड्स जो है फॉर्म करते हैं, कभी कभार ब्राउन टाइड्स भी, ब्लू भी, बट ज्यादातर जो है रेड टाइड्स ही जो है फॉर्म करेंगे गोरिलैक्स। और फिर जो है नेक्स्ट सलवार की अगर हम बात करें तो सलवार में भी प्रेजेंट होती है, तो सलवार में सेलुलोज होता है, ठीक है, जो डायनोफ्लाइजेट्स की सलवार है उसमें आपकी स्टिफ मतलब हार्ड सेलुलोज प्लेट्स रहती हैं, वो भी आपका आउटर सरफेस, जो सेलवाल की आउटर सरफेस है उसमें जो है स्टिफ हार्ड सेलुलोजिक जो है प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनर वाल में जो है उतनी ज्यादा जो है स्टिफ प्लेट्स नहीं होती है। देन डायनोफ्लाइजेट की एक और इंपॉर्टेंस, ये जो है टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, ये एक जो है टॉक्सिक मटीरियल जो है रिलीज करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, और ये टॉक्सिक जो केमिकल है ना, ये टॉक्सिन जो है ये मैराइन एनिमल के लिए जो है बहुत लीथल होता है, ये जो फिशेज वगैरह है वहां पे समाल और लार्ज फिशेज ओशन में वो इससे जो है किल हो जाती है, वो इससे जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये टॉक्सिन जो है ये किलिंग करता है बहुत सारे समाल और लार्ज फिशेज की। और इसी तरह से जो ये आपका था डायनोफ्लाइजेट्स, तो ये आपके जो डायग्राम भी दी हुई है, ये आपका जो है डायनोफ्लाइजेट का डायग्राम है, मिस डायनोफ्लाइजेट, यहां लिखता हूं अच्छे से, वन मिनट, डायनो फ्लाइजेट्स, तो ये आपका जो है इसमें वन फ्लाइजेट ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल है ये वाला, एंड द अदर फ्लाइजेट दिस इज ट्रांसवर्स। ओके, तो टू फ्लाइजेट रहेंगे और एकदम जो है एक ना अम्ब्रेला शेप बॉडी है। ओके,
एकदम एक कवर ऊपर से रहेगा एक अंदर से रहेगा, और ये जो अपर वाला आउटर साइड है ना इसी में आपकी जो सेलुलोजिक प्लेट्स रहती है, क्या रहती है सेलुलोजिक प्लेट्स। और नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ग्रुप दैट इज यूग्लिनाइड्स। तो यूग्लिनाइड्स जो मेन एग्जांपल है वो है यूग्लिना, ओके। और यूग्लिना को जो है मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है और साथ ही साथ जो है हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है, ओके। सो ऑटोट्रॉपिक कब परफॉर्म करेगा, व्हेन द यूग्लिना इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, व्हेन द यूग्लिना इज अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जब ये एक्सपोज होता है इन द डार्क, और ये हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है परफॉर्म करेगा, दैट्स व्हाई इट इज मिक्सोट्रॉपिक, ओके। और फिर जो है ये यूग्लिना यूग्लिनाइड्स जो है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड फॉर इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट में रुके हुए पानी में, रुके हुए फ्रेश वाटर में जो है यूग्लिना ग्रो करता है। एंड देन इंस्टेड ऑफ सलवार, और यूग्लिना में सलवार नहीं रहती है, सलवार की जगह एक लेयर होती है प्रोटीन लेयर, दैट प्रोटीन लेयर कॉल्ड एज पेलिकल। हाँ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, दैट प्रोटीन लेयर इज कॉल्ड एज पेलिकल। तो सलवार की जगह यूग्लिना में जो एक कवरिंग होती है वो प्रोटीन लेयर होती है, और वो प्रोटीन लेयर पेलिकल की जो है बनी होती है, उसको पेलिकल कहा जाता है, बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। सलवार की जगह इसमें एक कवरिंग रहती है दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल, और उस पेलिकल जो पेलिकल है ये बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। और ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की, ज्यादा स्टिफ नहीं होता, ज्यादा रफ टफ नहीं होता है, ये जो पेलिकल है ये बहुत सॉफ्ट जो है प्रोटीन से बनी होती है, एंड इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी ऑफ यूग्लिना। फिर जो है नेक्स्ट पिगमेंट्स इसमें रहते हैं यूग्लिना में, दे आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। तो कुछ पिगमेंट्स भी जो है यूग्लिना कंटेन करता है फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, ओके। तो फॉर दैट दे कंटेन सम पिगमेंट्स जो आर जस्ट आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। तो ये मैंने यहाँ पे जो है रफली थोड़ा ड्रॉ किया है यूग्लिना का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ओके। तो ऐसे जोलॉजी में आपने इमीडिएटली ड्रॉ करना है, इन्हें प्रोटिस्टा में आपने थोड़ा इसको रफली ड्रॉ करना है। ये इसके जो है दो फ्लैजला है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, और फिर इसमें जो है ये साइटोप्लाज्म का मैटर है, ओके। ये कवरिंग है, ये पेलिकल की कवरिंग है, मैं बता रहा था कि प्रोटीन से बनी होती है और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये बैंड इजिली हो जाती है, ओके। तो ये था आपका जो है ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेट्स और यूग्लिनाइड्स। तो बाकी आपका यहाँ से रह जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट टुडे, स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे ट्यून्ड, बाय। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।